नमो राघवाय। लोग कहते हैं कि भगवान की पूजा हमें करनी नहीं आती, करनी नहीं आती। भगवान की पूजा कितनी सरल और सुगमता से हो जाती है और कुछ भी परेशानी नहीं उसमें पड़ती है। बस यही है कि घर में लड्डू गोपाल बिठा लो, थोड़े नला धुला के बिठा दिया तुमने, उन्हें नला दिया और बिठा दिया कपड़े पहना के, और चंदन रोरी ऐसे कर दो भगवान के, लो चंदन रोरी हो गया ये, ठीक है। ऊपर ये माला पहना दी हमने, ठीक है, माला, ये माला पहना दी, उनका मुकुट भी ये रखा हुआ, क्योंकि अभी और श्रृंगार बाकी है ना, वो करेंगे उसके बाद उन्हें मुकुट पहनाएंगे। तो फिर घर में और तुलसा जी तो रखनी रखनी पड़ेगी, क्योंकि वो तो 10 बार बोल दिया मैंने, कई वीडियो बना दिए कि तुलसा जी के बगैर भगवान रह नहीं सकते हैं, क्योंकि वो तो उनकी प्रिया हैं, प्रियतमा हैं, तो उनको तो चाहिए चाहिए घर में। तो बस तुलसी जी को रख लो और उनमें जल चढ़ाओ, जल चढ़ा के आओ, 2-4 पौधे रख लो फूलों के, ये सब कुछ घर का ही है। देखो एक बेल में इतने सारे फूल हो गए, कोई 10 बेलों के फूल, इसको विष्णुकांता बोलते हैं, ये सफ़ेद पुष्प विष्णुकांता, ये शिवकांता, और ये हमारे हो गए बेलपत्र, ये दूब हो गई है, ये बस एक बेल में ये फूल लग गए, क्या परेशानी पड़ी है, ये तुलसी मैया हो गई। अब तुलसा मैया लेके आओ और बस, प्रभु का अभी अधिक मास चल रहा है और अपने कोरोना चल रहा है, तो पंडित जी की क्या ज़रूरत है, डेली डेली पंडित जी थोड़े ही बुलाए जाते हैं घर में, डेली तो पूजा अपनी की जाती है, खाना खाने के लिए क्या तुम डेली होटल जाते हो, खाना तो अपने घर पे ही बनाते हो, खाते हो, उसी तरह से अपनी पूजा भी डेली डेली सुगमता से कर लो। यह तुम्हें मंत्र आता है तो अभी मैं मंत्र बोल के बताती हूँ कि इस तरह से पूजा करनी है, यदि मंत्र नहीं आता है तो ऐसे ही ये तुलसी दल लो और प्रभु को बोल दो, कृष्ण भक्त हो तो कृष्णाय हे तर्पणम समर्पयामिम नमः, और यदि राम भक्त हो तो हे राघव जी आपको तुलसी दल समर्पयामिम नमः, इस तरह बोल दो, और नहीं तो 21 बार आप इस तरह से बोलो और इन तुलसी दल को भगवान पर समर्पित करो, फिर आप देखो आपके सभी जीवन के क्लेश खत्म हो जाएंगे और आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। भगवान के प्रति सुखमय जीवन कौन सा है, जो हम जाते जाते हाथ पांव चलते रहें, पहला सुख सो निर्मल काया, बस हाथ पांव चलते रहें, अंत समय में भी हमें किसी के एक जल के लोटे की जरूरत ना पड़े, वह सबसे बड़ा सुखमय जीवन होता है, जीवन में किसी प्रकार का क्लेश ना हो। तुलसी के लिए इस तरह से आप इस मंत्र को कहते रहें और तुलसी दल चढ़ाते रहें। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रत्यक्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, तुलसी दल समर्पयामि नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रत्यक्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, इस तरह चढ़ाओ, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रत्यक्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रत्यक्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रत्यक्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रत्यक्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रत्यक्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रत्यक्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रत्यक्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रत्यक्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रत्यक्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रत्यक्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रत्यक्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रत्यक्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, इस तरह से तुलसी दल भगवान पर चढ़ाने के बाद फिर आप क्या करो, जो पुष्प लेके आए हो थोड़े से, वो पुष्प ले लो
और इसी तरह से मंत्र को बोलते हुए फूलों से भगवान का श्रृंगार कर दो। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रत्यक्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रत्यक्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रत्यक्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रत्यक्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रत्यक्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रत्यक्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये विष्णुकांता के पुष्प हैं, क्योंकि ये विष्णुकांता के पुष्प हैं और बहुत सुगमता से हो जाता है, एक बेल में ही बहुत सारे पुष्प हो जाते हैं। ये हमारी शिवकांता, अब इनको भी चढ़ा दो, क्योंकि भगवान शंकर जी के और राम के, भगवान कह दिया कि शिव द्रोही ममदास का आवा सो नरमोय सपन उन्हीं भावा, क्योंकि शंकर जी का द्रोह करने वाला व्यक्ति भगवान को कभी प्रिय नहीं हो सकता है। भगवान को तो शंकर जी को भी प्रिय समझो और राम को भी प्रिय समझो, शंकर जी तो तब प्रसन्न नहीं होंगे जो भगवान राम के तुम भक्त नहीं बनो, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश ये तो तीन देव ही हैं, तो ये किसी से अलग नहीं है, सब एक है, कृष्ण राम सब लीला एक है, बस नाम अनेक है। कभी कोई कभी तो इस तरह से शिवकांता भी चढ़ा। अब देखो भगवान का श्रृंगार आप देखते जाना, कोई स्पेशल श्रृंगार नहीं हो रहा है, लेकिन भगवान हमारे इतने सुंदर हैं कि वो इतने सुंदर लगते ही हैं, कभी वो उनकी लीला ही ऐसी है कि कुछ कहने। अब उनका ये कर दिया श्रृंगार, अब थोड़े से ये मंजरी भी भगवान पे चढ़ाई जाती है, इसलिए इस मंजरी को लो और भगवान पे इस तरह से मंजरी रख दो। ठीक है, आपने मंजरी रख दी, अभी बेलपत्री भी भगवान पे चढ़ा देते हैं, शंकर जी पे तो चढ़ती है ये, क्योंकि वो तो एक दूसरे के पूरक है, तो भगवान पे इस तरह से ये रख दो आप बेलपत्र। बेलपत्र हमेशा उल्टा रखा जाता है, इसलिए आपने रख दी ये बेलपत्री। अब ये थोड़े से भगवान का श्रृंगार है अनोखा, तो बस अनोखा इस तरह से श्रृंगार करो भगवान का, भगवान को सजाओ, मनमोहक लगते हैं, तो कितने प्यारे लगते हैं भगवान हमारे बैठे हुए राघव जी। और ये थोड़ी सी उन पे थोड़ी सी चढ़ा दो दुर्वा, ये चढ़ गई उन पे दुर्वा, गणेश जी पे तो चढ़ती ही है लेकिन भगवान पे चढ़ गई। अब ये कर दो इस तरह से आरती, अभी मुकुट और रह गया है, मुकुट और लगाना है प्रभु को, ये लगा दो उनका मुकुट। ठीक है, ये लग गया भगवान के मुकुट, अब हमारे प्रभु सजने लगे, अब मुकुट लगा के बैठे राघव। अब देखो उनकी कर दो आरती, हे रमम परसोत्तमम नरहरे नारायणम केशवम गोविंदम गणद्वयम गुणनिधे दामोदर माधवम हे कृष्ण कमलापते यतपते सीतापते श्रीपते वैकुंठाचपते चराचर पते लक्ष्मी पते पाहि मम शरणागति पाहि मम शरणागति। हे प्रभु, हम तो आपकी शरण में हैं, हम कुछ जानते नहीं है, पूजा अर्चना वंदना हम क्या जाने, इस तरह से रख के तो तुम्हें मंत्र आते हो तो मंत्र बोलो, मंत्र के द्वारा भोग लगा दो ये रखा है, और मंत्र नहीं आता है तो फिर क्या, मंत्र नहीं है तो इस तरह से डाल दो प्रसाद में तुलसी पत्र, ये रख दिए प्रसाद, और मूँच लो अपनी आँखें और कहो हे प्रभु हम कुछ नहीं जानते, जो भी हमने आपके सामने रूखा सूखा रख दिया है उसे आप पालो, और प्रभु हमारे उसे ग्रहण कर लेते हैं। और बस इस तरह बजा दो घंटी, घंटी बजते ही भगवान डकार ले लेते हैं, बस यही है उनकी सीधी सी सरल सी पूजा, बताओ इसमें कुछ किया है, बिल्कुल भी नहीं, बस यही है, पर थोड़ी सी और देखो पूजा तो करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें और आपको ही करना पड़ती है, क्योंकि कमाने वाले तो जल्दी जल्दी भाग जाते हैं, और हम तुम करेंगे तो घर सुखी रहेगा, सुखी रहेंगे तो हम तुम सब सुखी रहेंगे। नमो राघवाय, नमो राघवाय, नमो राघवाय।